तो आज आए हैं हम जयपुर और ये बड़ी चौपड़ पे हूँ। अभी बारिश होने वाली है, थोड़ी देर से कुछ और बताऊंगी। अभी अंदर जा रही हूँ, ये चूड़ी वाला है उस पर जा रही हूँ, उसके बाद कुछ और बताऊंगी मैं। तो ये है बड़ी चौपड़ और यहीं है मेट्रो स्टेशन भी है और इस टाइप से है। ये सामने से देखेंगे तो जौहरी बाज़ार है, उस साइड देखेंगे तो चौड़ा रास्ता है और ये अंडरपास है मेट्रो स्टेशन का। और जो मैं बता रही हूँ ना, रूप लक्ष्मी बैंगल्स जो हम लोग लेने आए हैं, वो हमको वीडियो अंदर की नहीं बनाने दे रहे। बाकी का हमसे कई लोग पूछते हैं कि ये बैंगल्स कहाँ मिलते हैं क्रिस्टल के, तो वो मैं आपको पास से बता देती हूँ थोड़ा सा। और इसी लाइन में जैसे ये सामने है तो आपको ये पोशाक वगैरह सब यहीं मिल जाती हैं। बड़ी चौपड़ पे आओगे तो आपको पोशाक मिल जाएंगी, जो शादियों का सामान मिलता है ना, जो शादी ब्याह का पूरा सामान मिलता है वो भी मिल जाएगा आपको यहीं। मतलब बड़ी चौपड़ पे आ जाओ, सब कुछ मिल जाएगा आपको, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे से पूछते जाओ तो आपको पोशाक भी मिल जाएंगी, क्रिस्टल की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, लाख की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, मतलब सब कुछ मिल जाएगा यहाँ। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाती जाऊँगी, लंबी वीडियो नहीं करूँगी। ये देखिए शाम का टाइम है, बहुत भीड़ है मार्केट में। चूड़ियाँ भी दिखाती हूँ अभी, जो हम लोग लेंगे ना, जो हम खुद खरीदेंगे अपने लिए, वो चूड़ियाँ मैं आपको दिखा दूँगी। बच्चे चूड़ियाँ ले रहे हैं अंदर, जब तक बारिश बंद हो गई है तो मैं अंदर वीडियो बनाने आ गई बाहर। तो थोड़ा मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये रूप रानी का ये बैनर लगा हुआ है और ये प्रेम बैंगल्स है, लेकिन मैंने यहाँ का रूप रानी बैंगल्स ही है। और ये बड़ी चौपड़ पे है, तो जब भी आए आप यहाँ से क्रिस्टल के कड़े ले सकते हैं। बाकी क्या, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिलती हैं, पोशाक वगैरह भी ले सकते। तो ये चूड़ी वाला जो क्रिस्टल की चूड़ियाँ मिलती है ना, वो है और इस शॉप का नाम है रूप रानी। और मैं बार बार बोल रही हूँ ना, तो वो रूप लक्ष्मी बोल रही हूँ, तो वो रूप लक्ष्मी नहीं है, रूप रानी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया है, कई बार गड़बड़ कर जाती हूँ ऐसे में। हाँ, ये ऐसे मेरा फ़ोन आपके पास है ना। हाँ, तो मुझे लगा कि चलो मैं आपके आइडिया के लिए कि भाई जयपुर में कहाँ क्रिस्टल की चूड़ियाँ मिलती हैं, तो मैंने सोचा यहाँ फेमस है रूप लक्ष्मी, पर इन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, तो मुझे लगा चलो मैं साइड की शॉप पे भी जाती हूँ। और आजकल शायद ये भी रखने लगे हैं क्रिस्टल के, तो बस इनकी देख लेते हैं हम अंदर जाके। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, ये प्रेम बैंगल्स करके बिल्कुल इनके बगल में है, रूप लक्ष्मी के बगल में। इन्होंने मेरे से बोला कि आप वीडियो बना सकते हो, तो बस हम वीडियो बना लेते हैं। अंदर देखते हैं कि इन पर कैसे हैं क्रिस्टल के कड़े। अभी उन्होंने मेरे से यही बोला कि भाई बनाते हैं तो हमारे डिज़ाइन वो हो जाते हैं। ये क्रिस्टल के हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ कि उनके बजाय आप यहाँ भी आ सकते हो। अभी हमको ये लगता है कि सिर्फ उन्हीं पर मिलते हैं क्रिस्टल के, तो कोई इधर आता नहीं है। तो मेरा यही है कि यहाँ भी क्रिस्टल के मिलते हैं, इनके पास भी आते हैं। हाँ, तो साइड वाली दुकान पे भी है क्रिस्टल के, तो आप यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। ये क्रिस्टल के होते हैं, बाकी के मैं और भी इन पे हैं अगर चौड़े तो वो भी दिखाती हूँ जो बगल में मिलते हैं। तो आप देखिए इन पे काफ़ी वैरायटी है, चौड़ी वाली भी है, पतली वाली भी है। चौड़े दिखाइए आप, जितने भी चौड़े हैं ना वो दिखा दीजिए आप। हाँ, ये इससे चौड़ा है। इनकी क्या रेट है भैया, इन वाले की? देखो मैम, मेरे तो ग्राहक के ऊपर डिपेंड है। ऐसे क्वांटिटी पे 850 रुपए हमारी स्टार्टिंग रेंज जो है ना, हमारी 500 रुपए से स्टार्ट है। ठीक है, फिर हमारी रेंज है वो 5500 रुपए तक जाती है। तो उसमें अगर आप चाहें गोल्ड का वर्क, हैंड पेंटिंग, पीकॉक वर्क, जो भी आप बोले उस तरह का वर्क हम करा के देते हैं, ऑन डिमांड बन जाता है। अगर आप चाहें तो घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, होम डिलीवरी है ऑल ओवर इंडिया। और डिलीवरी के अंदर हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम जो है प्रोडक्ट की ब्रेकेज की गारंटी लेते हैं, टूटता है फूटता है हमारी जिम्मेदारी है, या तो पैसा देंगे या फिर सामान दोबारा देंगे आप। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, आज के समय में हम गारंटी देते हैं। एक बार आपको क्रिस्टल के कड़े दिखा देते हैं किस टाइप से होते हैं, हर किसी को नहीं पता होता इनके बारे में, हम लोग लेते रहते हैं, इस टाइप से होते हैं और इनके ऊपर वर्क भी होता है, इस टाइप से होता है वर्क, देखिए। तो यहाँ करा भी सकते हो आप, अपनी पसंद से वर्क भी करा सकते हो, सारे क्रिस्टल के हैं। ये सब क्रिस्टल के हैं,
बाकी के और तरह की भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिस्टल की हैं, और भी हैं। इसके अंदर है ये, खराब नहीं होगा, आप चाहे रब कर लो चाहे 10 साल पहन लो, ऐसा कैसा रहेगा, ना इसकी पॉलिश हटेगी ना इसका कुछ बिगड़ेगा। और ये चूड़ियाँ हैं वाकई में बहुत सुंदर है, ये देखिए कलरफुल चूड़ियाँ हैं और इस टाइप से हैं, तो आप ज़रूर यहाँ के विज़िट करें अगर आप जयपुर में रहते हैं या बाहर से भी आते हैं। बाहर से आने वाले भी लोग पूछते ही हैं ना जयपुर में कहाँ हैं चूड़ियों की, तो यहाँ मिल जाएंगी आपको। मुझे ही अटपटा लगने लगा देखने के वो बचपन से सुनते आए ना तीन तीन आड़ा। ठीक है। देखो तुम कैसी लग रही हो, देखो कैसी लग रही हो, बता दो, बुरी लग रही हो? तुम कैसी, अच्छी लग रही हो? हाँ अच्छी लग रही हो। डेजी ने और खूब सारी चूड़ियाँ ली है ना, खूब सारी पहनती हूँ नहीं, बस ले लेती हूँ, ये सारी ली है डेजी ने, दिखाई नहीं डेजी ने, जब हाथों में डाल दिया तो बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखो कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं, और दिखाओ मम्मी। अभी वो तो आई नहीं, वो कलरफुल वाली जो चाहिए थी, तो आप कभी आओ तो ले जाना यार। ठीक है, डेजी बोल रही है इन चूड़ियों के लिए, कहाँ गई। अरे देखिए मेरी इसमें कलर, ये वाली मल्टी कलर जो होती है ना, ये मल्टी कलर है ना, ये डेजी को बड़ी पसंद आ रही है, पर अभी कलर इन पर नहीं है जो डेजी को चाहिए। देखिए ये मल्टी कलर वाली है, रेट भी बहुत रीजनेबल है, बस 100 की है ये 12 चूड़ी। तो बस हमारी चूड़ियों की शॉपिंग हो गई है, और हमने सोचा कि हमारी गाड़ी नहीं आई है तब तक हम और घूम लेते हैं, तो ये अब हम आ गए जौहरी बाज़ार। तो जौहरी बाज़ार, चौड़ा रास्ता, हवा सड़क रोड जिस पर हवा महल है, ये सारे मतलब बड़ी चौपड़ पे ही पड़ते हैं, चारों तरफ जाती हैं जैसे रोड है, तो वो सारी हैं। तो ये जौहरी बाज़ार में घूम रहे हैं, तो इस टाइप की शॉप है यहाँ, तो जब भी आप आएँ बड़ी चौपड़ पे सारा कुछ यहीं से आपको मिल जाएगा, सब कुछ यहीं आसपास में ही है सारा कुछ, किसी से भी पूछोगे वो बता देगा, या पोशाक भी मिल जाएंगी आपको। और बस हम ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं और देखते हैं हम कहाँ शॉपिंग करते हैं इस टाइप के भी, जो रोड पर लगी रहती है ना शॉप, जिन पर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे झुमके मिल जाते हैं, राजस्थानी जूतियाँ मिल जाती हैं जिसे मोजरी बोलते हैं, तो वो भी मिल जाएंगी आपको। और बस हम चलते जा रहे हैं, और डेजी आगे आगे जा रही है, तो अब हम जा रहे हैं। जैसे एक शॉल की दुकान है जिसको बहुत ही अच्छी शॉल मिलती हैं और अच्छी वैरायटी मिल जाती हैं आपको, तो बस अब शॉल दिखाऊंगी थोड़ी देर में, और अभी थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ उसकी आपको। कितने से शुरू है भैया आपकी शॉल है? 2000, 2000 से शुरू है, और कितने तक की है? यार 2 लाख तक की। 2 लाख तक की, चलो हमको दिखा भी देना 2 लाख की भी शॉल, जिसे यानी प्योर वूल के ऊपर है मैम। ये है शॉलों की शॉप ना, और अभी हम जौहरी मार्केट में घूम रहे हैं, वहाँ है ये शॉलों की शॉप, देखो बहुत सुंदर सुंदर शॉल है। ये कितने की है? योगी मैम 1,29,800। 1,29 की है ये सबसे महंगी, ये है 1,29 की, मतलब 1,29,000 की। और ये कितने की है? 1,75,000। 1,75,000 की है, तो आप देखिए इसका वर्क है, ये बहुत फाइन वर्क है इसका, हैंड मेड रोड में सबसे टॉप क्वालिटी, कश्मीर की सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी। बोला आपने आपकी मैक्सिमम आई नहीं होगी अभी 2 लाख वाली, मैंने यूं कहा है, लिफाफा जो आपके सामने रख दी मैंने, सुंदर है। हाँ नंबर बताओ, शॉप का नंबर क्या है? कार्ड दे दो मम्मी, कार्ड नहीं मुझे तो इस पे बोलना है, यूट्यूब है मम्मी का नंबर बताओ, आप बोल दीजिए नंबर क्या है भैया इसका, शॉप का नंबर पूछ रही हूँ। शॉप नंबर 155 जौहरी बाजार केके आर्ट्स। 155 शॉप नंबर 155 जौहरी बाजार, जौहरी बाजार। और ये
बड़ी चौपड़ से आते हैं तो बीच में पड़ती है, एलएमबी से पहले पड़ती है। उसके सामने। जैसे आप चौपड़ से आओगे ना, बड़ी चौपड़ से आओगे ना, तो उस साइड से आओगे तो एलएमबी और बड़ी चौपड़ के बीच में पड़ती है ये। और बहुत अच्छी शॉल है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है जैसे आपके यहाँ शादी वगैरह होती है तो। और क्या है सामने? हल्दी हाउस सामने है, जौहरी बाजार है। फिर से बोल देती हूँ, इसको आप जरूर आए यहाँ। और मैंने आपको दिखा दी है ना, 175,000 की लास्ट थी इनकी, हो सकता है 2 की भी आ जाती हो, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ तो है नहीं। थैलियाँ होती है ना, ये बहुत संभाल के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कट नहीं लग जाए, इतनी फाइन होती हैं कि कहीं कट नहीं लग जाए इनमें थैलियों में। तो बस यहाँ की शॉपिंग भी हमारी हो गई है, बस बिल वगैरह कर रहे हैं। हमने खूब सारी शॉलें ली हैं यहाँ से भी, तो आपको दिखाती हूँ हमारी शॉलों की शॉपिंग हो गई है। ये रही, अंधेरा हो गया है बाहर, तो चलो थोड़ा सा आपको बाहर का भी दिखा देती हूँ। बाहर रोडों पे दुकान लगी रहती है, यहाँ भीड़ है, बहुत भीड़ है बाहर इस टाइप से। और इसी में जो रूप लक्ष्मी है, राणा साड़ी है, जहाँ लहंगा पोशाक मिलते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे जाओगे, जैसे जो जौहरी मार्केट है ना, तो जैसे आप सीधे चले जाओगे बड़ी चौपड़ की तरफ जाओगे ना, तो बस कॉर्नरों पे वहीं आपको लहंगे की शॉप मिल जाएंगी, जो राजपूती पोशाक होती हैं। इस मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, रजाइयाँ मिल जाएंगी, जयपुरी आइटम जो जयपुरी होते हैं वो भी मिल जाएंगे। तो अभी हमारी शॉपिंग मतलब बिलिंग वगैरह हो रही है अंदर, तब तक मैं बाहर निकल के, मुझे लगा चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि भाई कैसे कैसे है। तो आप चौड़े रास्ते में आओगे ना, और जौहरी बाज़ार में आओगे, जैसे बड़ी चौपड़ पर आओगे, तो वहाँ से आपको चौड़ा रास्ता भी मिल जाएगा, जौहरी बाज़ार भी मिल जाएगा। और जैसे इससे आगे जाओगे तो बापू बाज़ार भी मिल जाएगा, कोई भी बता देगा। हाँ, यहाँ जो बापू बाज़ार है वो मेन मार्केट है यहाँ का, तो बापू बाज़ार में भी विजिट कर सकते हो आप जब भी आओ। तो देखिए किस तरह से बहुत सुंदर सुंदर यहाँ चीज़ें भी रखी हैं ठेलों पर। इस टाइप के जो झुमके वगैरह मिलते हैं ना, मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं तो बहुत पहनती हूँ। एक जोड़ी मैंने यहाँ से भी लिए है आज। इस टाइप की चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं ठेलों पे, बाहर जैसे रखी रहती हैं। और रात में लाइटें हो गई हैं, तो शहर बहुत सुंदर लग रहा है हमारा, ये देखिए। और जहाँ हम जिस बुलन वाली शॉप पे बैठे हैं ना, तो इसके सामने ही हल्दिया हाउस है, तो और जस्ट सामने ये बुलन वाली है, पश्मीना कश्मीर स्वाइल के आर्ट्स। और दिखा सकती, थोड़ा सा शहर दिखाती हूँ, कितना सुंदर लग रहा है। जब हम आए थे तब तो दिन था, पर अब रात हो गई है, तो इस टाइप से लग रहा है शहर। एक बार शॉलों की डिज़ाइन बता देती हूँ आपको, देखिए सुंदर सुंदर शॉलें हैं। बस अब अंदर जाती हूँ, और यहीं ये आलू टिक्की है और छोले कुलचे हैं, बहुत टेस्टी खेल में लगाते हैं यहाँ। जब भी आए तो यहाँ ज़रूर खाएं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और इधर ये ज्वेलरी की और इन सब की दुकानें हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें हैं। तो यहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है ना, बहुत अच्छी मिलती है। आरी तारी जो साड़ियाँ मिलती हैं वो भी यहीं है। देखो ये बड़ा सा बोर्ड लगा है ना, वो आरी तारी का लगा है। राणा भी उसी लाइन में है, सामने वाली लाइन में है। राणा जो है यहाँ का फेमस है ना साड़ियों के लिए, वो भी वहीं है। उसमें पोशाक भी मिल जाती है जो राजस्थानी है। एक ये इस साइड देखोगे तो राजवेश भी है कॉर्नर पे, जो मस्जिद दिख रही है ना उससे आगे बिल्कुल कॉर्नर पर राजवेश है, उस पर भी साड़ी और लहंगे वहंगे बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो जो जौहरी बाज़ार है इसमें आ जाइए, और यहाँ से पूछ के आप बापू बाज़ार भी जा सकते हो, तो आपकी पूरी शॉपिंग हो जाएगी यहीं से। एक बार थोड़ा सब हो जाओ। तो ये अभी आए हमने हैं, एक ये लिया है हमने, ये खोल के दिखाना। उतार में से पूरा है, ये देख रहे हैं। रेट बताओगे, रेट बताओगे भैया? ये वाला तो बस मैं, हम लोग आए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है यहाँ, और बहुत सुंदर है यहाँ। होलसेल भी है, इनका ऑनलाइन भी काम होता है। आप देखिए, ये है एसआर ज्वेलर्स,
और पहले ये वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, फिर उन्होंने बोला हमने कुछ सामान लिया तो फिर बोला चलिए कोई नहीं आप वीडियो बना लो। तो ये सारी जगह एक ही जगह पे है सारी चीज़ें आपको, और आप देख सकते हो। और मतलब बोलोगे भैया अपनी शॉप के बारे में कुछ बताओगे, एड्रेस वगैरह बता दो। हमारी शॉप एनआरजी चौपड़ के पास में शॉप नंबर 147 एसआर ज्वेलर्स है। आपका वो पेज कौन सा है वो बता सकते हो ना? पेज हमारा नहीं है, हम दूसरे पेज थे, लेकिन हम चलो बहुत लेके ऑनलाइन दिल्ली बहुत बेचते हैं। मेरा हमारा उसी का काम है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा पूरा। जैसे एलएमबी के बी एलएमबी और बड़ी चौपड़ के बीच में आती है शॉप है ना? मेट्रो स्टेशन के बड़ी चौपड़ उतरी है, उससे मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारा। होलसेल में भी देते हो आप जैसे? थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे पर बाद में बनाने दी भैया ने वीडियो, लोगों को पता चलता है थोड़ा सा, जो बाहर से लोग आते हैं उनको पता चलता है। तो हमारी चूड़ियों की शॉपिंग हो गई, ज्वेलरी की शॉपिंग हो गई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, शॉलों की शॉपिंग हो गई। अब हम जा रहे हैं नारायण सिंह सर्किल, तो बस हम सिटी बस मॉल पहुंच गए हैं और यहाँ हम जाएंगे, इस मॉल में हम जा रहे हैं फुटवेयर लेने। तो यहाँ फुटवेयर बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब चप्पल आप जैसे भी लेना चाहो, मतलब शादियों के हिसाब से लेना चाहो जैसे ब्राइडल और वो सारी मिल जाएंगी, बेलीज वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती हैं। तो बस हम अंदर चलते हैं इस मॉल के, और बस इसके जस्ट बगल में जूडियो भी खुल गया है, तो इसके जूडियो के बहुत रीजनेबल कपड़े मिलते हैं और बहुत अच्छे कपड़े होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है और सबकी रेंज में आ जाते हैं कपड़े, कोई भी ले सकता है यहाँ से। तो बस हम मॉल के अंदर जाते हैं, तो मॉल के अंदर साइड में ही जैसे जाएंगे ना अंदर जाएंगे तो जो लेफ़्ट साइड में है यहाँ आपको क्लचर वगैरह सब चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी मिल जाती हैं, मतलब अच्छी रेट है, यहाँ बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। तो इस टाइप से इस मॉल में जाते से ही, और यहाँ खाने वाने का सामान लगा हुआ है, और ये साइड में है फुटसी, तो ये फुटवेयर की शॉप है। और ये साइड में यहाँ मेकअप का सामान मिलता है आपको, हर तरह का अच्छे से अच्छा सामान मिल जाएगा यहाँ आपको, ग्लचर वगैरह भी मिल जाएंगे, बिंदियाँ, मेकअप का सामान सब कुछ मिल जाएगा। और अब हम जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि हम हमेशा यहीं से लेते हैं और बहुत मजबूत निकलती हैं इनकी चप्पलें। और इसी रोड पर ज़रा सा आगे जाके राइट हैंड में आपको सारे डिज़ाइनर साड़ियों के शोरूम है, जैसे जरी का है और भी बहुत सारे हैं। तो तोमर साहब बैठ गए हैं आके, और अब हम दिखा देते हैं इनका एक बार, एक कलेक्शन दिखा देती हूँ इनका पूरा आपको। अच्छा किसी और के लिए बेटे? डेजी बताओ ना बेटा। तो देखो हमारी डेजी हमेशा यहीं से लेती है, डेजी कैसी लगती है? आज मेरी सारी जगह वायरल कर देगी कि डेजी यहाँ से लेती है, यहाँ से लेती है, और मैं किसी को नहीं पसंद। कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, आपकी बहुत अच्छी होती है ना? ज्यादातर और ब्रांड की नहीं लेती हो तुम? मैं लेती नहीं, हाँ नहीं मैं तो कम मीठा पीऊंगी, मतलब आपके फीचर करवा देता हूँ और बाकी कम मीठे है ना। चलियो चलियो तो अभी पसंद की है हमने, ये साइड नहीं, फिर एंड एंड में सारी दिखा देना जो जो सजाई से तुम दिखाओ। और का यूट्यूब पर बना के ये तो आटा ही पर क्या बोल रही हो? डेजी को भूख लगाई है, पापा का सर दर्द हो रहा है, पापा डेजी को कुछ नहीं खिला रहे हैं। क्या फायदा मायके आने का, क्या फायदा मायके आने का है ना डेजी? मम्मी बना, मम्मी बना, मम्मी का ब्लॉग, मम्मी ब्लॉग। हाँ आई इसीलिए हूँ भैया, ऐड करूँ। पहले हम कई बार शॉपिंग करके गए, पर जब हम शॉपिंग कर लेते ना वीडियो नहीं बनाई, वीडियो बना लेते आज शुरू में ही बनाना शुरू कर दिया। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ की चप्पल, यहीं से लेते हैं। कई लोग बोलते हैं हम तो मेट्रो से ही लेते हैं, हम तो यहीं से लेते हैं, भाई हमको तो यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैंने सोचा, डेजी बोल भी रही है कि मम्मा मेरी सारी चीज़ें आप लीक कर दे रहे हो, तो पर ठीक है, सबको एक आइडिया होना चाहिए कि जयपुर में कहाँ अच्छी चप्पल मिलती है, बहुत चलती भी हैं, बहुत मजबूत होती हैं, हर तरह की मिल जाएगी आपको और रीजनेबल भी मिल जाती है और महंगी भी मिल जाती है, जैसा चाहो आप ले सकते हो। तो इसका नाम है फुटसी, फुटसी मैं दिखा देती हूँ एक बार, देखिए ये
तो ये सामने भी है जहाँ बच्चों की मिलती है और शोरूम ये है इनका। तो ये देखिए आप बेडिंग कलेक्शन कितना सुंदर है, थोड़ा दिखाती हूँ जो हमने पसंद किया है ना। सब आ रहा है इसमें जो तुम बेजी बोल रही है सब कॉमन कर दो। जो आप दूसरा बता रही हो ना वो राजा पार्क में कौन सी जगह पे है? राजा पार्क में चावला स्वीट्स के पास में, राजा पार्क में। तो इनका दूसरा वाला है चावला स्वीट्स के बगल में है राजा पार्क में। कलेक्शन यही रहता हमारा। अच्छा राजा पार्क में इतना इतना कलेक्शन नहीं है, ये क्योंकि हमारा मेरा उसी में है ना। अब सारे नए ऊपर सारे नए यही रहते हैं ना भैया। वो कौन वाला बदलूं क्या? हाँ और जो ये वाली चप्पल होती है ना इनको डॉक्टर भी बताते हैं, तो आप भी देख सकते हो कभी मिलती है आपको तो ये चप्पल ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो जयपुर में रहते हो तो। इससे क्या है जो एड़ी में दर्द होता है ना वो चला जाता है। चलो मैं और पास से बता देती हूँ इनको। ये देखिए आजकल एड़ियों में दर्द बहुत होता है ना, कई लोगों के एड़ी में दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, तो उनके लिए होती है चप्पल है। तो ये जो चप्पल है ना ये हमने सिलेक्ट करके रखी है, अब इनमें से फिर से सिलेक्ट करेंगे जो जो हमको लेनी है। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ कितनी सुंदर सुंदर स्लीपर हैं। तो जयपुर सिटी बस मॉल में है हमारे पास सारे ब्राइडल कलेक्शन वगैरह सब मिलेगा, आप आए विजिट करें देखें और शोरूम को आप आराम से देखें। मैं समझाऊंगी आप एड्रेस एक बार समझा दीजिए। एड्रेस देखिए सिटी बस मॉल नारायण सिंह सर्किल जयपुर। ठीक है भैया ओके बाय बाय।